Subscribe to Shemaroo Shorties and click the bell icon to never miss an update. Hello? Hello, Geetu. Laddoo! Bas se teaser, Sunny Bunty, chhatti aao, mere Laddoo ka phone hai. Haan, main pahunch gaya. Haan, haan, abhi taxi mein hotel ja raha hoon. Batao na, London kaisa tha? Bahut sundar hai. बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, गोरे गोरे लोग, मजा आ गया गीतू, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। अरे ये जगह तो इतनी साफ है, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है सड़कों पे। शायद इसीलिए हम हिंदुस्तानी यहाँ कर अपने देश की मिट्टी को मिस करते हैं। अच्छा सुना है वहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे, इंग्लिश ठीक ठाक से बोल लेते हैं। इंग्लिश? अरे गीतू, इंग्लैंड है, यहाँ का तो भिखारी भी इंग्लिश में भीख मांगता है। £1 प्लीज। लड्डू मेरे अंकल से। हाँ हाँ, तुम्हारे वर्मा अंकल को फोन कर लूंगा। Thanks, sir. Well, Mr. Dara, have a nice trip home. Is that all, sir? Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Congratulations, sir. Oh, thank you. Mm-hmm. Thank you. You look sad. Huh? No, it just happened so fast. Oh, okay. नौ दिन का काम 9 मिनट में खत्म हो गया, उतने भी नहीं लगे. Hello. Hello, Ravi. सोम बोल रहा हूँ. सोम? हाँ. अरे हाँ यार, रवि बोल रहा हूँ. कहाँ है तू? अरे यही लंदन में. लंदन? हाँ. लंदन में कहाँ? अरे यही बॉन्ड स्ट्रीट पर हूँ. ओके ओके, तू वहीं ठहर, मैं आता हूँ. डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर मिलते हैं. ओके ओके, मैं वेट करूंगा. जल्दी आ, जल्दी. बाय. That's cool. अच्छा सुन, फ्रिज में खाना पड़ा है, माइक्रोवेव में गरम कर लेना. ओके. हाँ, दिन का काम चला लेना. ठीक है. और शाम को मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट पर. ओके ओके. और सुन, अगर तू बोर हो रहा है तो ऑफिस आ जाना, वहाँ ऑडिशंस चल रहे हैं. वैसे भी तू अच्छा गायक है, मुझे याद है. कॉलेज की लड़कियों को सुर से गाने के बहाने उनके दिल का सुर बिगाड़ देता था तू. रहने दे, मैं अपने गीतों से बहुत खुश हूँ. तू जा, तेरे दिन ऐश कर. वो तो है, तू तो बहुत खुश है, तुझे क्या ज़रूरत. ओके बाय. मुझे ही तो ज़रूरत है. ये है तारा और ये सोम. आई नो, दूर से देखा तो समझ गई, the compulsive flirt. Just joking, sit down. वैसे रवि ने तुम्हें जैसे describe किया, तुम उससे अच्छे लगते हो. Thank you. And you, what is your problem? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, सिर्फ SMS किया? काश मेरे पास नंबर होता. Bye. You, I'm gonna see soon. Bye. Bye. तारा का हस्बैंड क्या करता है? Get real, Som. She's not married. अकेले रहती है वो. हाँ. और तू और तारा? Are you insane? She's a buddy, यार. We are good friends. पक्का? अकेले जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं. मुझे तुम्हारे जैसी जिंदगी चाहिए. या. मुझे तुम्हारी जिंदगी जीनी है. एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी. I can imagine. एक हिंदुस्तानी बीवी की तरह वो रोज तुम्हारी सेवा करती होगी. संभाल के लाना, क्या छोड़ दिया. रोज सुबह तुम्हारे लिए चाय बनाया करती होगी. और पापा 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 करके सनी और बंटी तुम्हें कितना प्यार करते होंगे. मैं शादी करूंगा. सुखी रहना चाहता है तो तू शादी नहीं करेगा. करूंगा. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग मिस मेनिका. वो कौन है
सोम, ये जिंदगी है, मैथमेटिक्स नहीं। और जिंदगी में कभी कभी दिल से सोचना चाहिए। लेकिन जिंदगी के मैथमेटिक्स में हमेशा दिमाग से सोचना चाहिए। दिल हो या दिमाग, मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा हूँ, मेनका। मेनका, मेनका, प्लीज मान जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं समझाता हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है, फ्यूल म्यूजिक कंपनी के मालिक का नाम रवि कपूर है, जिन्होंने आपका गाना कल रात को सुन लिया, उन्हें लगा इस आवाज में दम तो है। मैंने तो कहा रवि और भी बहुत मिल जाएंगी, वो तो खुद यहाँ आने वाले थे, लेकिन मैंने फिर कहा कि लड़की मना कर दे तो इंसल्ट हो जाती है। मेरा क्या है, अगर मैंने कहा जी ने ऑडिशन के लिए मना भी कर दिया तो मैं मुंह लटका कर वापस चला जाऊंगा। वैसे आप देख लीजिए, हाँ परसों तक का टाइम है आपके पास। वैसे तो मैंने रवि को कहा था कि बहुत मिल जाएंगी, अब आप देख लीजिए। हेलो। हाँ तारा। तारा सर्दी हो गई। ओके मैं आता हूँ। तारा की तबीयत खराब है, मैं जाता हूँ। ए तू रुक, देख ऑफिस में बहुत काम होगा, तू यहाँ संभाल, मैं वहां संभालूंगा। पक्का? पक्का यार, आखिर दोस्त कब काम आएगा। थैंक्स, सी यू। ठीक है ना मैंने। सोम रहने दो। अरे मैं देखा, 10 मिनट के अंदर अंदर दादी माँ के नुस्खे ने ठीक कर दिया तुम्हें। थैंक यू सोम, यहाँ आपने भी इतना नहीं करते, अपना ही समझो ना। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम आराम करना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। हाँ गीतू, नहीं सोम का फोन नहीं आया था, मैंने कोशिश की लेकिन वो फोन उठाता ही नहीं। तुम्हें कई दिनों से फोन नहीं किया? अच्छा क्या बुरा सपना देखा तुमने? गीतू तुम चिंता मत करो, वो काम में बिजी होगा ना, उसके दोस्त रवि का भी तो नंबर नहीं है, वरना मैं उसे ही फोन करके पता करता। गीतू डोंट वरी, ओके आई विल फाइंड हिम। ओके गुड नाइट। आज से ये तेरे साथी होंगे, लड़कियों को दिखाओ कि रवि कपूर अपने काम के अलावा और किसी भी चीज की कदर नहीं करता है। आंख उठा के बात मत कर उनसे, बात कर तो सिर्फ काम की। इंट्रीग, जिज्ञासा, इंसानी फितरत है माय बॉय, इंसानी फितरत अनजाना हमेशा फैसिनेट करता है। और एक बार जब लड़की को तुझे जानने की इच्छा हुई तो पतंग की डोर फिर धीरे धीरे छोड़, और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ मेनका को इम्प्रेस कर, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने से पहले मेनका को प्रपोज कर। अकम्प्लिशमेंट एंड सक्सेस ऑफन इज अ रिजल्ट ऑफ पर्सिवियरेंस एंड कमिटमेंट रादर देन स्किल एंड टैलेंट। यस सर, यू आर राइट। रवि, रवि मेरी बात सुन, हमें मरेगा। बात भरोसे की है। यस सर, हमें आपके टैलेंट पर भरोसा होना चाहिए और आपको हमारी कंपनी पर और हमें एक दूसरे पर। एक बार आप अपने आप को हमारे कंपनी को सरेंडर कर दे और फिर देखिए। एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखता। सॉरी, नहीं देखते। मिस मेनका, योर प्रोडक्ट टुडे, आई नीड टू पैकेज दिस प्रोडक्ट प्रॉपरली फॉर इटसेल्फ। T52 रिपोर्टिंग सर। यस सर। ओके सर। आप मुझे पैकेज, पार्सल, ये जूते का डिब्बा बना दीजिए सर। एक बार, सिर्फ एक बार मुस्कुराइए सर, एक बार मुड़के देख लीजिए। क्या करें, अब बड़ी
क्यूट है। पहले तुम बताओ बात क्या है? रहने तो तारा, जिंदगी को कोरेदने से जंग लगा दिल ही मिलता है और कुछ नहीं। Come on, Soom, you can tell me. सेरेब्रल एमनीसिया। क्या? कभी कचड़े वाली को मां समझकर नमस्ते किया है? क्यों? बहुत बारिश थी उस दिन। किस दिन सोम? 31 अगस्त। सनी तब 1 साल का था। सनी मेरा छोटा वाला बेटा। हम सब रात को खाना खाकर घर लौट रहे थे मेरी मर्सिडीज में। ये अचानक एक मोड़ पे बिल्ली का बच्चा गाड़ी के आगे आ गया। मैंने तेजी से स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की। सड़क भीगी हुई थी कि गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई और गीतू का सर डैशबोर्ड पे जाकर टकरा गया। तब से चलती फिरती लाश बनकर जी रही है गीतू। कॉमेडी फिल्म देखकर रोती है और हॉरर फिल्म देखकर हंसती है। कभी कभी तो पेड़ समझकर कंप्यूटर में पानी डाल देती है और सनी को टीवी समझकर कपड़ा लेकर साफ करने लगती है कि तू। ऐसे जी रहा हूं पिछले 5 सालों से। दूसरों में अपनी खुशियां ढूंढता रहता हूं। नाटक है, ऐसा भी कोई करता है? मुझे लगता है ये सारा फसाद है। नो, आई थिंक सिर्फ काम से मतलब रखते हैं मिस्टर रवि कपूर। काम से मतलब रखते हैं? कौन सा काम? थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और मिस मेनका स्टार बन जाएगी। यस। व्हाट? ऑटोग्राफ। गीतू, ठीक से बताओ क्या हुआ? वो लंदन में ना किसी चुड़ैल ने उनको फांस लिया। चुड़ैल? मैंने अभी अभी सोम को फोन किया था, वो उसका नाम ले रहा था। ओहो, क्या नाम लिया? तारा। तारा? क्या? तारा? अच्छा गीतू, क्या तुम जानती हो तुम्हारा सोम दिखने में कैसा है? सुंदर है, अच्छा खासा बीबा है। मैं कभी मिला नहीं ना उससे। अच्छा एक काम करो, तुम उसकी एक फोटो ईमेल कर सकती हो मुझे। उसकी क्या, उसके पूरे परिवार की फोटो कर दी ईमेल मैंने। कर चुकी हो? Very good. अंकल। Bloody Shahrukh is Som. मुझे तो सिचुएशन बहुत फनी लग रही है। इतनी पागल थी तो सनी और बंटी कैसे पता हो गए? हाय रब्बा, बेटे वो कहीं तुमने ये तो नहीं कह दिया कि बंटी और सनी को हमने गोद लिया था? गीतू, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। तारा, तुम ही बताओ ना। मैं बताऊं? हाँ। मैं बताती हूँ। चलो चलो गीतू। लड्डू छोड़। गीतू गीतू तारा, एक बार छुट्टी दी कर दी सबसे बड़ी गलती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। न जाने हर इंडियन औरत अपने हस्बैंड को भगवान का दर्जा क्यों दे देती है। हस्बैंड आफ्टर ऑल एक मामूली इंसान ही तो है और ये सच्चाई हर बीवी को कबूल कर लेनी चाहिए। औरत को देखने का नजरिया हर मर्द का एक जैसा होता है एंड सोम इज नो एक्सेप्शन। और अगर कोई मर्द किसी दूसरी औरत को नहीं देखता है तो फिर वो दिखावा कर रहा है या फिर उसकी बीवी उसे ये दिखावा करने पर मजबूर कर रही है। जिंदगी में मैंने तुम्हारी जैसी औरत बहुत कम देखी है तारा। आई एडमायर द वे यू हैंडल दैट। हाय तुम।
गीतू बैठो प्लीज प्लीज बैठो. हेलो आई होप आई एम नॉट टू लेट. नो ओ माय फेवरेट. तारा 4 साल से मैंने तुम्हें आते जाते देखा है. तुम्हारी आधी से ज्यादा पेंटिंग तुम्हें मेरे घर में मिलेंगी. मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं. बस पहली बार तुम्हें जानने का मौका मिला है मुझे और वो भी इस माहौल में. सुनो मेनका. ओह गॉड. मैंने खुद के पैर पे गुलाड़ी मारी है. मैं ही आया था ना तेरे पास एडवाइस लेने. ठहरा जो मेरा लव गुरु. हाँ खुद का काम खुद करता तो अच्छा होता. यार एक थप्पड़ ही तो मारा है. तू उससे फिर से क्यों नहीं बात करता? वो नहीं समझने वाली. क्यों समझेगी वो? She doesn't understand me. Nobody understands me. मगर आप जैसे लोगों को क्या मालूम इमोशंस क्या होते. आप जानते होंगे ऐसी लड़कियों को जो अपना सपना सच करने के लिए इतनी डेस्परेट होती होंगी कि आपके साथ ठीक. वैसे अच्छी लड़की है यार. अपना काम खुद करती है, सबको समझती है. अंकल एक गुड न्यूज है. क्या? रवि और तारा शादी कर रहे हैं. ये गुड न्यूज है? ओके जैसी तुम्हारी मर्जी. वो कह नहीं सका बट ही रियली लव्स यू. मेरी बात मानो तो तुम उसे अभी. आप चुप रहिए. आप चुप रहिए. सब आपकी वजह से हुआ है और अब मैं किसी की कोई बात नहीं मानूंगी. गीतू आई एम रियली 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 वेरी सॉरी. मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है. सच कहूँ तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता. क्या तुम रह सकती हो? सच्ची बताऊं? हाँ. जिस तरह से चांद से बिछड़ कर चकोरी और थाली से बिछड़ कर कटोरी नहीं रह सकते ना, अपने लड्डू से बिछड़ कर ये टॉफी नहीं रह सकती. तारा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. सच कहना, जो हो रहा है वो क्या है? दोस्ती या प्यार? दोस्त के लिए प्यार. डोंट प्ले विद वर्ड्स तारा. शब्दों के इस खेल में जिंदगी बिताई नहीं जा सकती. तुम जानती हो कि... मैं जानती हूँ कि रवि की जरूरत क्या है. सच तारा तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है. और लड़का भी. रवि देख तेरी इंडियन कल्चर की तमन्ना पूरी होगी. आजा. लड़की तो सगाई पर ही घूंघट तान कर आ गई है. मुंह मिटा कर. ये लो खा बेटा. सोचने का वक्त चला गया. जल्दी कर. रुक क्यों गए तारा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कह दो. हमारी अमेरिका को बहुत मिल जाएंगे. ओते उड़ते पाव जी. कम ऑन गो फॉर इट. कांग्रेचुलेशंस. शादी का लड्डू रहा भी ना जाए. हो दहा ना जाए.